हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता और मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन में लास्ट वीक मैं अपने वर्कशॉप में थोड़ा हेल्ड अप थी, वीडियो नहीं बना पाई, और आज एक हफ्ते बाद वीडियो बना के मुझे इतनी खुशी हो रही है। जैसे हम अपने घर वापस आते हैं, वो खुशी खुशी वाली फीलिंग होती है ना, इट फील्स लाइक आई एम बैक होम अगैन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने 2 दिन पहले एक पोल करा था कम्युनिटी पोस्ट पे कि आप फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं क्या, कि फाइनेंस के करियर में कैसा बनाया उसने। तो 87% पीपल सेड येस टू इट, सो हेयर आई एम टू टेल यू अबाउट द सेम। बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए खास, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, एक स्कॉलरशिप है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ आए कि वॉट इट इज ऑल अबाउट, और आप पूरा देखोगे तो ही आप एनालाइज कर पाओगे और उसका बेस्ट बेनिफिट ले पाओगे। तो उस स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए और पूरी बात को अच्छे से जानने के लिए स्टे ट्यून टिल दी लास्ट, ओके। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, ओके। तो आपको पता है फाइनेंस ना एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है अभी, और फाइनेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने कुछ यूट्यूबर्स या अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, तो बहुत ही स्काई रॉकेट चल रहा है वो पूरा, क्योंकि सबको ही फाइनेंस के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। पर फाइनेंस में ये है कि अगर आप फाइनेंस की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके 3 गेट होते हैं जाने के। या तो आप किसी कोई आपने प्रोफेशनल कोर्स करा है, CACS या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करा है, या फिर आप MBA इन फाइनेंस के रूट से जाते हो। एक तीसरा रूट होता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है उसमें। अब MBA की अगर बात हो, तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि MBA में थोड़ा कई बार ना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता हमारे लिए। आपको एवरेज फीस उसकी पता है, कॉलेजेस में कई बार बहुत ज़्यादा होती है। तो MBA का तो वो हो गया कि कई कोई इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, उसमें कहा जाता है, देयर इज अ मीम रिगार्डिंग दैट, कि CA में पैसे तो ज़्यादा खर्च नहीं होते, पर जवानी पूरी खर्च हो जाती है, विच मीन्स कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो टाइम के टर्म्स में ना कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है। तो MBA में मनी बहुत लग रहा है, प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं कर पा रहे हैं टाइम की वजह से, या आप स्टक फील कर रहे हैं उसमें, तो तब नहीं हो पा रहा है। तीसरा रूट एक खुलता है, जो मुझे भी अभी रिसेंटली उसके बारे में पता चला है कि उसका क्या स्कोप है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बाय राइज। सो इट्स पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। राइज क्या है? राइज एक इनोवेटिव और टेक ड्रिवन ऑनलाइन कैंपस प्लेटफॉर्म है, जो कि इंश्योर करता है कि आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेक की चीजें भी पता हो। आपको टेक की ABCD पता हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी और डेटा एनालिटिक्स। सो राइज हैज लॉन्च्ड दिस PG प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द ग्रैंड थॉर्नटन। आप में से बहुत लोग GT को पहले से जानते होंगे, CA वाले लोग को तो खास तौर से ग्रैंड थॉर्नटन के बारे में पता होगा, दैट इट्स, और जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इट्स 7th largest कंपनी इन अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग इन द वर्ल्ड, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट्स इन टॉप 5। सिर्फ इंडिया की बात करी जाए तो ये 15 लोकेशन पे है विद 5600+ पीपल, और पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो इट्स इन 135 कंट्रीज। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में जो सबसे कैची बात लगी, वो था इसका मॉड्यूल। मैं इसका मॉड्यूल बताती हूँ आपको, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। मॉड्यूल में बात करी जाए तो 1 से 7 तक मॉड्यूल तो ये हम अपने ट्रेडिशनल उसमें फाइनेंस में पढ़ते हैं, कि फाइनेंस अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, टैक्स अकाउंटिंग। पर जो ये 8, 9 और 10 वाला पार्ट है स्पेसिफिकली, दिस फिनटेक, फाइनेंशियल एनालिसिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, ये अब बहुत ही ट्रेंडिंग है, इन डिमांड है। अगर आप आने वाले टाइम में, आगे 3 साल 5 साल या उससे आगे वाले टाइम में अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट इनफ नहीं है। अगर मैं अपने करिकुलम की बात करूँ, तो मैंने अपने करिकुलम में, प्रोफेशनल कोर्स के करिकुलम में, मैंने कभी ये सब टेक वाले टर्म्स नहीं पढ़े थे, अंटिल आई हैव टू प्रेजेंट पेपर इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तब मैंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इतने सारे ब्लॉग पढ़े, इतनी सारी वीडियोज देखी, तब मुझे समझ आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और हमारे कोर्स का या मेरे प्रोफेशन का उसके साथ फ्यूचर कैसा दिखेगा जब AI उसमें मिक्स हो जाएगा। और वहीं मुझे कॉन्फ्रेंस में जाकर ही बाकी स्पीकर्स को मैंने सुना, दे वर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, मैंने पहली बार क्लाउड कंप्यूटिंग, सब चीज़ों के बारे में वहां पर सुना था, क्योंकि हमारा करिकुलम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में या इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, दे जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल पार्ट। तो अभी आपको करियर बनाना है तो सिर्फ पुरानी चीज़ों पर काम नहीं चलेगा। आपने अगर शार्क टैंक देखा है, तो उसमें पीयूष बंसल को देखा था आपने, वो हर बार बात करते थे, हर पिच में ही यूज टू ब्रिंग, कहीं ना कहीं से तो यूज टू ब्रिंग, कि टेक का क्या करोगे, टेक्नोलॉजी का क्या करोगे। मेरा एक व्यू है लाइफ में,
अगर चीजों को स्केल करना है और इम्पैक्ट लाना है बड़ा, टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल है, राइट? टेक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और फाइनेंस के साथ उसको मिला दोगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका कहाँ करियर स्काई रॉकेट हो जाएगा. एंड यू नीड टू नो अबाउट टेक टर्म्स अगर आपको बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा एज चाहिए अपने करियर में. तो अब बात करते हैं ये कोर्स किसके लिए है. अगर आप ग्रेजुएट हैं, कल किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि दीदी आप हमेशा सीएसीएस के बारे में बताते हो और बताओ उसके अलावा क्या करना है अगर हम सिर्फ ग्रेजुएट है. तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट ग्रेजुएशन को कर सकते हैं, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अब या तो अपना खुद को अपस्किल करने का सोच रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट, या फिर आपको अपना करियर स्विच करना है, कुछ और डोमेन में काम कर रहे हैं, अब फाइनेंस में आना है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं. अब ये वाला प्रोग्राम करके आप क्या रोल्स कर पाएंगे वो आप स्क्रीन पे देखिए. आप फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप कंट्रोलर बन सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर. तो ये बहुत सारे रोल्स हैं. अब रोल्स तो ठीक है, अब ये बताइए पैसा कितना मिलेगा, मतलब हमारा पैकेज सैलरी एवरेज कितना लगेगा. तो जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज 997559, मतलब रफली 9.5 लाख के से 10 लाख तक के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा पैकेज एज अ फाइनेंस मैनेजर. और जैसे जैसे आप अपस्किल करते जाएंगे या जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट लेडर को चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा. एंड व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स मैनेजर, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना है, फिर आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जितना जितना साल आप आगे काम करते जाएंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे वैसे वैसे आपका पे बढ़ता जाएगा. अब बात आती है राइज के साथ क्यों करना है हमको ये. ये पूरा करिकुलम डिजाइन करा गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि राइज इज लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द ग्रैंड थॉर्नटन. तो ये सारा पूरा कोर्स डिजाइन करा गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और जो मार्केट में जो इन डिमांड स्किल्स हैं अभी राइट नाउ, या जो प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करा जाएगा कि उन्हें टेक के बारे में जो नॉलेज हो, आपको वही सब नॉलेज बताई जा रही है. सो ऑब्वियसली यू विल गेट एन एज ओवर समवन जिसको सिर्फ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स पता है. तो पहली चीज ये हो गई. उसके बाद आपको एंड टू एंड सारी चीजें, किसी कैंडिडेट को क्या चाहिए होता है पता है, थोड़ा ना गैप है जो हम चीजें पढ़ते हैं और फिर जब हम जॉब रेडी होते हैं एक गैप होता है कैसे जॉब रेडी हो. बहुत बार हमें नहीं पता होता कि हमारी प्रोफाइल कैसे बनानी है, हमें सीवी कैसे बनाना है, हमें किसी पॉइंट पर थोड़े एक मेंटोर की जरूरत होती है कि कोई एक्सपर्ट हमें आके मेंटोर करे, हु हैज बीन देयर डन ऑल ऑफ दैट. तो आपको ये मेंटरिंग प्रोवाइड करी जाएगी, आपको प्लेसमेंट का असिस्टेंस मिलेगा. और इनके रिक्रूटर्स कौन कौन है यू कैन चेक इट आउट ऑन स्क्रीन. एंड आई एम श्योर इसमें से मोस्टली नाम आपने सुने हुए होंगे, इतने दिग्गज बड़े बड़े नाम है ये जो कि है मोतीलाल ओसवाल, एडलविस, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिनसर्व, जेपी मॉर्गन, बार्क्लेज, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, मास्टर कार्ड और वीजा, ये इनके प्राइम रिक्रूटर्स हैं. तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा. तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कोर्स करा छोड़ दिया अब आप कौन हम कौन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको पूरा सपोर्ट इसमें दिया जाएगा. अब बात आती है कि जो हम बात हमने शुरू करी थी जहां से कि स्कॉलरशिप, मैम मुद्दे की बात पर आइए, हमें स्कॉलरशिप के बारे में बताइए. रहा नहीं जाता. तो स्कॉलरशिप अवेल करना इसमें बहुत ही आसान है. आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरी फैमिली है, यहां से अगर आप वहां जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल को पहले एसेस करेगा राइज, टीम राइज आपकी पूरी प्रोफाइल देखेगी और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सूटेबल स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा. आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दूंगी, उसमें गूगल फॉर्म है, उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नाम नंबर और आपका वर्क एक्सपीरियंस. आप अगर ग्रेजुएट हैं सिर्फ या आपने कहीं काम करा है तो क्या काम करा है, वो वर्क एक्सपीरियंस आप थोड़ा ठीक से लिखिए. उसके बेसिस पे आपकी प्रोफाइल एसेस होगी, आपको देखा जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या सूटेबल स्कॉलरशिप आपके लिए है. टीम राइज की टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको पूरा समझाएगी और वहां से आप उस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर कोई भी फाइनेंस एंथुजियास्ट है या अगर आपको ये सारी चीज सुनके कि फाइनेंस को हम टेक के साथ मिक्स करेंगे या क्यूरियोसिटी है इसकी जानने की, आपको लगता है कि इसका फ्यूचर तो देखो बहुत ब्राइट है. अगर कोई फाइनेंस में जा रहा है और साथ में उसको टेक के बारे में पता है, यू कांट इवन इमेजिन राइट नाउ कि कितना स्कोप है इस चीज को और कितने पैकेज पर आप जा सकते हैं. तो इसको बैठ के से सोचो मत कि अरे कर लेंगे, अरे देख लेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो कंफ्यूज हैं. आपको अभी फटाफट जाकर इस गूगल फॉर्म को भरना है. गूगल फॉर्म को भरने में कितना टाइम लग जाएगा, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी. इसको ट्राई करके देखो, एक्सप्लोर करो इस एरिया इंटरेस्ट को अपना. अगर इसमें जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, चीजें पढ़ोगे, आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. तो अभी के लिए आप जाके फटाफट से गूगल फॉर्म को भरो, देखो क्या होता है, एक्सप्लोर करो थोड़ा, बढ़िया जाएगा. इट्स लिमिटेड टाइम ऑफर, तो ज्यादा बैठ के इंतजार मत करते रहना, फटाफट जाके अप्लाई कर दो. ट्रस्ट मी यू विल लव इट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.